हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए कैंपिंग व्लॉग पे। बहुत से लोग को शिकायत हो रही है कि मैं बोलता नहीं हूँ करके, तो चलिए कोई नहीं, आपको प्रॉपर फुल बढ़िया ASMR के साथ साथ कुछ बहुत कहीं कहीं पे जहाँ पे जरूरी होगा वहाँ पे बोलना भी सही है भाई, तो वो चीज मैं उस टाइप का वीडियो आपको दूंगा। देखिए शाम होने लगी है और अभी बूंदाबांदी हल्की हल्की तो हो रही है भाई, पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है बारिश और मौसम काफी खराब है बाहर। आज तो जो मौसम का प्रेडिक्शन था वो भी था बारिश का। भाई साहब बहुत तेज बारिश आ गई भाई। एक बूंद पानी की अभी तेल में पड़ी, अब बच गया भाई जलने से। ये सब इस टेंट का कमाल है, देखिए तेल हो चुका है बढ़िया से। अब इस पर डाल देते हैं सबसे पहले प्याज। आज ना बढ़िया स्टील का बर्तन है और इस पे बनेगा भी बढ़िया, मुझे पूरा यकीन है, एकदम जबरदस्त। बाहर हवा चल रही है और बारिश हो रही है और मेरा टेंट टपक रहा है और मैं यहाँ पे कुक कर रहा हूँ अपने लिए। वाओ, अब इस पे ऐड कर लूंगा मैं अंडे। और बाकी के मसाले, मिर्च थोड़ा तीखा पसंद है वो तो आपको पता ही है, हल्की सी हल्दी, थोड़ा ज्यादा मात्रा में गरम मसाला, अब टाइम है इस पे चावल ऐड करने का। ये गया अपना रेड चिली सॉस, इसके बाद काला सोया सॉस, सबसे लास्ट में ये विनेगर।
अभी बूंदाबांदी थोड़ी सी कम हुई है। बढ़िया, ये तो अपना फ्राइड राइस हो चुका है पूरी तरीके से तैयार। तो गैस को कर लेते हैं बंद और इसके बाद मैं तैयार कर लेता हूँ ये सूप, क्योंकि थोड़ा भीग भी गया हूँ। बैक वाली साइड मेरी जब मैं टेंट पिच कर रहा था भीग गई थी, तो ठंड भी लग रही है। मैं सूप पहले रेडी कर लेता हूँ। तो गाइस अब इसको सर्व करने का टाइम आ चुका है और मुझे भूख भी लग रही है जोरों से। वाओ, गर्मा गर्म एक फ्राइड राइस। और साथ में ये गर्मा गर्म सूप। तो फ्रेंड्स अब टाइम है इसको गर्मा गर्म खाने का। और देखिए बाहर पूरा कोहरा लग चुका है और अभी फॉग ही फॉग टेंट के अंदर भी, बाहर से फॉग टेंट के अंदर भी आ रहा है। लेकिन एक गड़बड़ी हो ही गई, क्योंकि गड़बड़ी अपने साथ हमेशा ही होती है। मैं आज अपना चम्मच भूल गया भाई, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ एडवेंचरस करते हैं, इसको खाते हैं पत्ते से। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हो रही, बल्कि चम्मच से ज्यादा ही आ रहा है इसमें। बढ़िया, गर्मा गर्म एक फ्राइड राइस और साथ में गर्मा गर्म सूप। मैं स्पाइसी खाता हूं तो मेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है भाई। अभी चारों ओर का नज़ारा देखिए भाई, बारिश बंद हो चुकी है और ऊपर हल्के हल्के तारे नज़र आ रहे हैं। फॉग आ रहा है तो वो कभी कभी हाइड हो जा रहे हैं। कितना प्यारा ये टेंट लग रहा है। ये देखिए चारों ओर का एरिया बिल्कुल रात का सन्नाटा पसर चुका है। बस कीड़े मकोड़ों की आवाज आ रही है। कितना ज्यादा फॉग है भाई, क्योंकि दिन पे गर्मी थी, अभी तक बारिश हुई तो उसके बाद गर्मी की वजह से नीचे से उमस निकल रही है। बाकी सामान भी मैंने साफ कर लिया था। ये देखिए यहाँ पे सामान लगा दिया। ये लग चुका है अपना बेड और स्लीपिंग बैग। बस अब इस पे जाना है और मुझे सो जाना है। जैसे ही मैं बाहर से अंदर आया, फिर से देखिए बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। चलिए मजा आएगा बारिश में सोने का टेंट के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट।